करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस के बल पे गुंडा कर दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के बल पे गुंडा कर दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीओ साहब बताओ ना, मैं और सीओ साहब अभी चलने को तैयार हैं। मेरी बात सुनिए, जहाँ जैसा हुआ ऐसे लोगों से हमें मिलवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आ चाहे बताओ, अरे नहीं मैं मेरी बात सुन, सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा है सीओ साहब, आज बाद में सहमत आप चाहते हो कि हम लोग वोट डालें तो डलवाएं, यही काम करें ना। 5 बजे 6 बजे से ये पूरे जिले की कार्यकर्ता है, अगर छेद छोड़ के आए कौन इसमें जिम्मेदार नहीं है, कोई बूथ का प्रभारी है, कोई जिले का प्रभारी है, कोई पूर्व विधायक है, कोई प्रत्याशी है, क्या आप ये महसूस करके आपने सही कंधा पर हाथ कटाओ ये कन्फर्म कर दिया कि वो स्याही नहीं है? हम तो ये चाहते हैं जो जो वोट स्याही नहीं है, ये स्याही नहीं हो सकती। आपके पास, आपके पास इतने हथकंडे हैं, आपकी जोनल है, सेक्टर है, उनको आप एक निर्देश नहीं जारी कर सकते कि भाई जो पुरानी स्याही जो असली स्याही नहीं लगी है आप उनको वोट डालने का अधिकार देते हैं? बात खत्म हो जाए। अगर ऐसा कोई केस है तो वो आए थाने पे अपनी तहरीर दें, हमें अपनी बात कहें। आप मैं वोट पोलिंग पे जाऊं या थाने जाऊं बताइए। नहीं नहीं वो आए तो आप मैसेज खाली कर दो, जो पीड़ित है वो मैसेज आप दे दो, हम भी दे रहे हैं उनको। बात सुन लो, एक बार सुन लो, आप बोलिए, एक कानून की बात आप जो कर रहे हैं लोग समझ, ये आगा तो करना पड़ेगा ना। सुन लो ना, उचित नहीं है ये कहना, क्या दर्शाता है इनकी हिम्मत है? यदि हम लोग नहीं रहते तो चौकी पास इनको कह रहे जा सकते संग नहीं थे, उसके बावजूद भी चौकी गांव गांव के लोग सबसे चौकी पे गए थे सर, आप लोग नहीं थे वहां पहुंचे, सीओ साहब बाद में गए, ऐसी बात नहीं। सबसे पहले सीओ साहब पैसा दे गए ना छोटे तिवारी, पहले को प्रधान रहना। अच्छा तो कना 500-500 रुपया ले ला जाए, लेके स्याही लगा देना, कन वोट देवे मत जाए। कितना पैसा था? 500 जबरी खींच के लगा देना है। और कितने आपके घर में और कितने लोगों को लगाया उन्होंने? हमारे घर में हम अकेले ली है, अपने घर का। अच्छा हमारा लड़का गल्ला बरात करे। अच्छा हाँ हम अकेले ली है। तो कब आए, कैसे आए, क्या किया? अनहार खुनी है। अच्छा अनहार खुनी सुता लिया बोझकले में कहूँ कि बदामी दही कल क्या का साहब तो कहूँ कि हाई पैसा ला स्याही लगा रहा था, हम कहे बदे लगा थुआ कहूँ कि वोट दे मत जाए, हम कि काहे कहीं जो पूछी तो कह दिया कि हम वोट दे चुका है। संजय भाई क्या है ये मामला, आप लोग क्यों धरने पर बैठे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्र पांडे द्वारा अपने लोगों को गांव-गांव भेज करके पैसे बांट करके उन लोगों के उंगलियों पर निशान लगाया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि आपको वोट देने नहीं जा रहा है, जाना है। और अभी इस तरह की कई गांव में घटना हुई है, हम लोग तारा जीवनपुर पहुंचे हैं तो वहां के लोगों के साथ आए और यहां पर जिन जिन लोगों के पैसे दिया गया उंगलियों पर निशान लगाए गए हैं उन लोगों के साथ यहां धरने पर बैठे हैं कि पूरे ज़िले में लोगों के उंगलियों पर दलित वर्ग के लोगों के निशान लगाए गए हैं। यहाँ की घटना में तो FIR होगा तो उनको वोट देने का अधिकार तारा जीवनपुर के लोगों को हो जाएगा, बट जो पूरे जिले में लोगों के अंगूठे पर निशान लगाए गए हैं उनको इलेक्शन कमीशन वोट देने का अधिकार सुबह दे, इसी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हुए। करीब रात को 11 बजे करीब ये सूचना मिली हम लोगों को कि तारा जीवनपुर गाँव में एक पूर्व प्रधान है, उनके द्वारा कुछ महिलाओं को और कुछ उसमें पुरुष भी थे संभवतः, तो उनको उनके हाथ में इंडेलिबल इंक लगाई जा रही है और उनको 500 और 1000 रुपये दिए जा रहे हैं और ये एलिजिडली कहा जा रहा है कि वो जो है कल वोट देने ना जाए। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको पैसे दिए गए हैं अभी वो थाने में मौजूद हैं, उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है
और उसी तहरीर के आधार पे हम लोग एक प्राथमिकी दर्ज करेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। जिनके उंगलियों पे स्याही लगी है उनके ओट का क्या होगा, उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? ऐसा है कि जिनके उंगलियों पे स्याही लगी है वोट देने के लिए वो बिल्कुल एलिजिबल हैं, यदि उनका नाम वोटर लिस्ट में है वहाँ पर, क्योंकि वोटिंग अभी जो है कानूनन शुरू नहीं हुई है वहाँ पर। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसे जितने भी लोग हैं उनको अपना नाम जो है वो FIR में देना होगा कि उनको जो है बेसिकली वादी बनना पड़ेगा उसमें FIR में, और ये कहना होगा कि उन पर ज़बरदस्ती लगाई गई है अगर ऐसा कुछ हुआ है तो।